हिमाचल में आए जलप्रलय में अब तक 88 लोगों की जान जा चुकी है, 10 लोग अभी भी लापता हैं। नेशनल हाईवे 21 मंडी कुल्लू बंद है। नेशनल हाईवे 505 ग्रम्फू लोसर बंद है। नेशनल हाईवे 3 कुल्लू मनाली बंद है। नेशनल हाईवे 707 बंद है। 883 रूट्स अभी भी ब्लॉक हैं। 1193 रूट्स पर सभी सरकारी बसों की सर्विस सस्पेंड है। मुख्यमंत्री खुद हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर हैं। ये जो आप देख रहे हैं पीछे मनाली टाउन है, उसके आगे ये नेशनल हाईवे चलकर आता है, लेकिन ये नेशनल हाईवे पूरे तरीके से गायब हो गया है और खुद सीएम यहाँ इस नेशनल हाईवे को देखने के लिए पहुंचे हैं। ये नेशनल हाईवे आगे आप देखेंगे तो ये रास्ता सीधे लेह तक जाता है। लेह का मेन नेशनल हाईवे है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस हाईवे को मैनेज करती है। और अब जब रास्ता गायब हो गया है तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। ये यहाँ पर पुश्ता बनाने की शुरुआत हो चुकी है, लेबर लगी हुई है, पुश्ता बना रही है और पीछे अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में ट्रक यहाँ खड़े हुए हैं। ये ट्रक मनाली से आगे लेह तक रसद सामान पहुंचाते हैं। ये संपर्क मार्ग टूटने की वजह से ये दिक्कत परेशानी हुई है। जरा देखिए सड़क किस तरह से गायब हो गई और अब बीआरओ पुश्ता बना रही है। सर क्या हुआ था, ये सड़क कहाँ जाती है? सड़क ये मनाली को जाती है, कुल्लू मनाली इधर ले इधर ऊपर ले, तो सारा ले का सामान यहीं से होके गुजरता है। जी हाँ जी, यहीं से जाते जो भी सासे के लिए जो भी जाते हैं फौजी वगैरह के लिए सब यहाँ से। अच्छा, यहीं से जाते हैं। रसद एक महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे है। इस रास्ते को रिपेयर करने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और ये नदी का विकराल रूप था जिसकी वजह से पूरा ये पुश्ता गायब हो गया है। इसी तरीके से कुल्लू और मनाली के बीच कई ऐसी जगह हैं जहां रास्ता इस तरीके से गायब है। कई जगह थोड़ा सा रास्ता बचा है तो उससे गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहां मनाली की तरफ रास्ता बिल्कुल गायब हो गया है जिसको वापस बनाने में वक्त लगेगा। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी भारी बारिश के बीच हालात बेहद खराब हैं। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पूरा रास्ता बह गया। लैंडस्लाइड के बाद से केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे अभी भी बंद है। इस रास्ते में 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा है, हजारों यात्री फंसे हैं, लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। हम इस समय NH 58 पर है। ये बद्रीनाथ केदारनाथ धाम हाईवे है जो कि इस समय बंद है। सुबह यहां पर लैंडस्लाइड हुआ तेज बारिश के बाद और तब से लेकर अभी तक यहां पर रोड को खोलने का काम जारी है, लेकिन अभी भी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये जो पूरी चट्टान थी वो नीचे की तरफ आ गई और फिर उसके बाद अपने साथ इस पूरे रोड को जो यहां पर साइड रेलिंग था उसको बहाते हुए नीचे ले गया और तेज बारिश भी इस समय हो रही है और यही सबसे मुश्किल की बात है। एक तरफ जहां गंगा नदी अब अपने जलस्तर की बढ़ोतरी की तरफ आगे बढ़ रही है, हालांकि अभी डेंजर मार्क पार नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिवर बेड के एरियाज हैं वहां पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। श्रीनगर, देवभूमि, ऋषिकेश, हरिद्वार और उसके आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 ऐसे अभी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर रेड अलर्ट है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, उसके अलावा पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर। यहां पर अभी भी पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि रोड को खोला जा सके। क्या नाम है आपका? सर पवन। पवन, कितने टाइम से आप यहां पे इंतजार कर रहे हैं, क्या हालत थी, रोड कब ब्लॉक हुआ? ये सुबह 2:30 बजे ब्लॉक हो गया था और हम सुबह 8 बजे से एज इट इज यहीं पे खड़े हैं, उसको खोलने का काम चल रहा है। इस समय तेज बारिश हो रही है और उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तेज बारिश का अलर्ट था, उसके अलावा लैंडस्लाइड का खतरा था। यहाँ पे कहा गया कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले और इस बात का ध्यान रखें। ये चारों तरफ जो इस समय कई जगह बोर्ड्स लगे हैं कि यहाँ पर पत्थर गिरते हैं, लैंडस्लाइड जोन है, इसीलिए बहुत ही प्रिकॉशन लेकर यहाँ से चलें। ये चारों तरफ इस समय रास्ता बंद है जिसकी वजह से कुल मिला के अभी 10 किलोमीटर का लंबा जाम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।